गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैरेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 23rd of August। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आने वाले दिन में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी है 108.92। ये जो रिसेंट स्विंग हाई है, दैट इज आपका 109.30, उसको चैलेंज करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये आपका है 109.6080 लेवल्स। ये अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली चार्ट में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे हो सकता है, 109.50 से, टू बी प्रेसेस 109.50 से 110 तक। तो वहाँ उस पार्टिकुलर लेवल पे क्या थोड़ा सा पॉज लेके फिर नीचे की तरफ रिट्रेस करता है या नहीं करता है, या हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। डॉलर रुपये में हम देखेंगे, कल एक हाई ट्रेड हुआ है 79.92। बेसिकली डॉलर इंडेक्स, CNY, ऑल दीज थिंग्स, इसको देख के डॉलर रुपये का और भी फर्दर डिप्रिशिएट होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं रहा है। दैट मीन्स दैट शोज दैट सम सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन आर देयर इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक कॉन्सर्न है कि ये जो डेली RSI, इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, देन वी मे सी सम सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन इन INR। जीबीपी डॉलर में हम अगर देखेंगे, जीबीपी डॉलर में काफी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, एंड इट ट्रेडेड फ्रॉम 1.2130 लेवल से, अभी है 1.1780। सो जो रिसेंट स्विंग लो था, दैट इज आपका 1.1760, उसको भी तोड़ के नीचे चला गया है। मीन्स यहाँ पे बेसिकली एनर्जी क्राइसिस एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स इन UK आर मीन्स मेकिंग द करेंसी टू फर्दर डेप्रिशिएट है। तो आपका और भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन होने का है, लेकिन ये करंट लेवल पे सेल करके कोई फायदा नहीं है। वी नीड टू सेल ऑन अपटिक्स। जीबीपी आईएनआर में देखते हैं, जीबीपी आईएनआर में भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया। जीबीपी आईएनआर में और भी ज्यादा बेसिकली आपका 12 अगस्त से काफी सेल ऑफ हुआ है, 0.97 लेवल से 94 लेवल तक। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डेप्रिसिएशन यहाँ पे सेल ऑफ गया है जीबीपी आईएनआर पे। यहाँ पर भी अगर फर्दर ट्रेड करना है तो आपको सेल अपटिक्स ही करना पड़ेगा, एंड दोज हु आर रनिंग शॉर्ट दे मे ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस। यूरो डॉलर में देखेंगे, ये भी पेनिटी के नीचे चला गया, पिछले 3 दिन में अच्छा खासा पिटाई हुआ है। यहाँ पे मेनली द एनर्जी क्राइसिस कंसर्न्स, इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन, एज वेल एज अभी जो रिसेंट इंफॉर्मेशन आया है कि रशिया इस मंथ के लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा सप्लाई स्टॉप करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग अ कंसर्न फॉर द यूरोपियन यूनियन, एंड ऑल्सो ट्रिगरिंग द इन्फ्लेशन फिगर वेरी मच ऑन द हायर साइड। So, which is putting the currency also in depreciating mode. Any uptick may be sold here. Euro INR में देखेंगे, यहाँ पर भी कल एक अच्छा खासा आपका सेल ऑफ देखा गया था, लेकिन आज थोड़ा सा पुल बैक करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बाइंग का, दिस इज नॉट ए बाइंग एरिया फॉर ए पोजिशनल सेटअप। पोजिशन सेटअप के लिए सेल अपटिक्स ही होगा, लेकिन इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट में कोई भी कुछ भी कर सकता है। कैन प्ले फ्रॉम द लॉन्ग साइड, कैन प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड ऑल्सो। डॉलर ये में हम देखेंगे, ये है अभी 137.29, जो इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज 138.80 से 139.50 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। एंड ऑल्सो RSI जो हम देखेंगे, RSI 60 में रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करता है इस इंस्ट्रूमेंट पे, देन वी कैन प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड। एंड ENINR में हम देखेंगे कि ये अच्छा खासा यहाँ पे नीचे आ चुका है फॉर लास्ट 5-6 ट्रेडिंग डेज। अभी यहाँ पे RSI देखोगे कि 40 में सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। हमें देखना है कि ये 40 लेवल पे सपोर्ट लेके वो कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड एनीवे, ये 0.5860, 0.5880 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए गुड रेजिस्टेंस लेवल हेयर। डॉलर कैंडी में देखेंगे, डॉलर कैंडी में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है, एंड ये ट्रेडेड हाई 1.3061, अभी है 130.32। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था 129.80 से 130.00, उसको ब्रेक करके अच्छा खासा कन्विंसिंगली ऊपर चला गया है। अभी हम वीकली में देखने का कोशिश करेंगे, तो वीकली में जो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल था पिछले टाइम में
जून में एंड 11 जुलाई में दो दो बार इसको ब्रेक करने का कोशिश किया था बट फेल्ड. लेकिन अभी हमें देखना है कि ये कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है, ये हमें देखने वाला कंसर्न है. अगर हम $80 में देखेंगे, $80 में ये कल एक पॉज कैंडल दिया हुआ है, एक डोजी कैंडल है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेके लेता है या नहीं लेता है हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. CNH में बहुत ज्यादा पिटाई हुआ है एंड ये ट्रेडेड हाई ऑफ आपका 6.8785, अभी है 6.8685. अभी ये अगर थोड़ा सा सेल ऑफ होता है, हमें देखना है कि इसका जो प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस था दैट इज 6.85 लेवल, इसमें यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है वो हमें देखना पड़ेगा. यूके वाले में देखेंगे, कल एक अच्छा खासा नीचे की तरफ गया था एंड ट्रेडेड लो ऑफ 92.59, वहां से बाउंस किया, अच्छा खासा जबरदस्त मस्त बाउंस किया, क्योंकि ओपेक कंट्रीज डिसाइडेड टू कट द सप्लाई, उसके लिए एक जूम अप हुआ है. अभी थोड़ा सा हमें देखना है कि इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस होगा ये 100.50 से 100.70, इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करता है नहीं करता है. अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा 107.75, इसको दिस विल बी द मेजर रेजिस्टेंस लेवल, उसको हम ये दो रेजिस्टेंस लेवल का हमें देखना पड़ेगा. US 10-year ट्रेजरी में बहुत उछाल देखा गया फ्रॉम 2nd अगस्त ऑनवर्ड्स, ये कंटिन्यूअसली हायर लो बना रहा है एंड इसके लिए अभी जो इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस है 3.06 3.0653, इसको कन्विंसिंगली ब्रेक कर देता है देन इट विल ट्राई टू टेस्ट दैट 3.25 लेवल्स. तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतने, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद.